हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अवर ऑनलाइन क्लासेस। हमने अपनी लास्ट वीडियो में जो है क्या पढ़ा था, कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 के बारे में। आज हम अपना एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फ्रीयोन। क्या है फ्रीयोन? कल हमने कार्बन टेट्रा क्लोराइड के बारे में पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे फ्रीयोन के बारे में कि फ्रीयोन क्या होता है। फ्रियोन क्या है? आपने नाम सुना है CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। रेफ्रिजरेटर में, एयर कंडीशनर में जो गैस होती है CFC, सुना है नाम? जो CFC होते हैं, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, वो फ्रियोन ही होते हैं। मतलब जो फ्रियोन होंगे उनमें क्लोरो भी होगा, क्लोरीन समूह भी होगा और फ्लोरीन भी होगा। ठीक है, तो फ्रियोन क्या होते हैं कि पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन। देखो एक बार लिखते हैं फिर समझ में आएगा। फ्रियोन क्या होंगे? पॉली क्लोरो फ्लोरो पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन फ्रियोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्रियोन कहलाते हैं कहलाते हैं। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें सामान्यतः CFC, क्लोरो फ्लोरो कार्बन। क्या है? क्लोरो फ्लोरो कार्बन सामान्य नाम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, और वैसे नाम क्या है? फ्रियोन। इन्हें सामान्यतः CFC ही कहते हैं। एग्जाम्पल, तो देखो यहां से भी पता लग रहा है कि क्लोरीन समूह होगा, फ्लोरीन होगा और क्या होगा? कार्बन। या फिर अब यहां से तो ये पता लगा क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन है, ऊपर वाली लाइन से क्या पता लगेगा? पॉली लिखा हुआ है, पॉली का मतलब एक से ज्यादा क्लोरो और फ्लोरो होंगे। जो क्लोरीन होगा जो फ्लोरीन होगा वो क्या होंगे? एक से ज्यादा। पॉली क्लोरो फ्लोरो एल्केन फ्रियोन कहलाते हैं। एल्केन मतलब जैसे आपका CH4 है, CH5 है, ये सब क्या है? एल्केन। तो पॉली क्लोरो फ्लोरो, जैसे मान लो आपका जैसे CH4 है, ये तो आपका एल्केन है। अब इसमें H4 की जगह ऐसे हो जाता कि दो तो F2 लगा दें और दो ही क्या लगा दें? Cl2, CF2 Cl2। तो ये आपका क्या हो गया भाई? CH4 था ना आपका, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। अगर हमने दो हाइड्रोजन कम करके तो फ्लोरीन लगा दिए और दो की जगह क्या लगा दिए? क्लोरीन। तो अब ये आपका क्या है? एल्केन तो है लेकिन कौन सा? क्लोरो फ्लोरो एल्केन है। मतलब कि CFC बन गया अभी आपका। क्या बन गया? CFC या फ्रियोन हो गया। तो फ्रियोन क्या होंगे? F2Cl2 CF Cl3, ठीक है, CFCl3 भी बोल सकते हैं, या हम C2। अब देखो दो कार्बन ले लो, इनकी वैलेंसी पूरी करनी है, यहां फ्लोरीन लगा दो, यहां फ्लोरीन लगा दो, यहां क्लोरीन लगा सकते हैं कि नहीं? क्लोरीन, यानी कि अगर दो सी लिए तो दो F और चार क्लोरीन, C2F2Cl4। आप चाहो तो चार F भी लगा सकते हैं, तब क्या हो जाएगा? C2F4Cl2, ठीक है, तब क्या होगा? C2F4Cl2। वैलेंसी कंप्लीट रहनी चाहिए कार्बन कार्बन की चार, बाकी आप बना सकते हैं। ये आप पे क्या हो गए? क्लोरो फ्लोरो कार्बन या फ्रियोन। अब इनका नाम क्या होगा मैम? भाई नामकरण भी आना चाहिए हमें, तो नामकरण की एक अलग से पद्धति है। देखो नेक्स्ट आप हेडिंग डालोगे नामकरण। नामकरण में आप क्या लिखोगे? फ्रियोनों को या इन्हें XYZ से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं,
एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं, जहां एक्स बराबर तो क्या होगा, जो कार्बन है अपने पास में, क्लोरीन फ्लोरीन और कार्बन तीन चीजें होती हैं। एक्स क्या होगा, कार्बनों की संख्या या कार्बन परमाणु की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या माइनस वन। वाई बराबर होता है हाइड्रोजन परमाणु की संख्या प्लस वन, और जेड बराबर होता है फ्लोरीन परमाणुओं की संख्या। अब आप कहोगे कि मैम क्लोरीन तो आया ही नहीं। बिल्कुल नहीं आया क्लोरीन, यहां जो हाइड्रोजन आ गया ना, हाइड्रोजन परमाणु संख्या प्लस वन, ये क्लोरीन की जगह आ गया। मतलब हमेशा बीच का तो प्लस वन ही आएगा, क्यों, क्योंकि क्लोरो फ्लोरोकार्बन में हाइड्रोजन तो आई नहीं, कहीं भी नहीं है ना, फ्लोरीन है और क्लोरीन है और क्या है, कार्बन है। लेकिन नामकरण जिस वैज्ञानिक ने दिया उसने यही बताया कि एक्स से आपको कार्बन परमाणु की संख्या माइनस वन, वाई से हाइड्रोजन परमाणु की संख्या प्लस वन, और जेड से फ्लोरीन परमाणु की संख्या। इनमें हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अगर ऐसे दे देता CFCl2 तो इनकी वैलेंसी तो कंप्लीट ही नहीं है। एक एफ लग गया, एक सी एफ, दूसरा सी एफ, और वैलेंसी तो कार्बन की कंप्लीट ही नहीं है। यहां से क्लोरीन कम हुआ ना, तो कंप्लीट करने के लिए हाइड्रोजन भी तो लगा सकते हैं ना वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे भी यदि मिल गया तो वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। क्यों है, क्योंकि उसमें क्लोरीन भी है, फ्लोरीन भी है, और क्या है, कार्बन भी है। तो आपको यह समझना है कि नामकरण जब हम देंगे तो एक्स वाई जेड या फ्रियोन एक्स वाई जेड से ऐसे लिख लेना, इन्हें फ्रियोन एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं, फ्री योन डैश, फ्रियोन डैश एक्स वाई जेड से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जांपल ये है CF2Cl2, जैसे हमारा पहला एग्जांपल क्या है CF2Cl2, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो कैसे लिखते हैं, फ्रियोन एक्स वाई जेड ऐसे लिखते हैं ना, यानी कि पहले तो फ्रियोन आएगा सभी में ही, अब एक्स वाई जेड, एक्स होती है कार्बन परमाणु की संख्या माइनस वन, यहां अपने पास कार्बन कितने हैं, ओनली वन, तो वन माइनस वन, ठीक है। फिर वाई क्या है आपके पास में, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या प्लस एक, हाइड्रोजन की संख्या तो एक भी नहीं है यहाँ, तो फिर जीरो प्लस एक। फिर है आपके पास में फ्लोरीन, फ्लोरीन कितने हैं, दो, तो फ्लोरीन कितने हो गए, दो, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, फ्रियोन, वन में से वन गए तो जीरो, जीरो में एक ऐड करेंगे एक, और ये कितने हैं, दो, तो इसका नाम होगा फ्रियोन बारह। जीरो लगाना आगे जरूरी नहीं होता है, तो क्या नाम होगा इसका, फ्रियोन बारह, ऐसे नाम दिया जाता है। इसका देंगे तो फ्रियोन कितने कार्बन है, एक, एक माइनस एक जीरो हट जाएगा, फिर हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो फ्रियोन वन, और फ्लोरीन कितने है, एक, तो इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन ग्यारह, ठीक है। तो यहां तक उतारो, फिर हम कुछ फ्रियोन के एग्जाम्पल लेंगे जिनका नामकरण हम करेंगे। यहां तक आपको स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद आपको लिखना है एक तरफ फ्रियोन और एक तरफ उनका नामकरण, या एक तरफ सी एफ सी डाल देना, देखो कभी करवाते हैं। देखिए आपको एक तरफ तो क्या डालना है, सी एफ सी या क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ठीक है ना, और दूसरी तरफ आपको यहाँ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, और एक सी एफ सी एक्स वाई जेड, और यहाँ नाम, तीन कॉलम बना लेना, सी एफ सी एक्स वाई जेड और नाम। देखिए सी एफ सी में हम ले लेते हैं सी एफ सी एल थ्री, सी टू एफ टू सी एल टू, सी टू नहीं सी एफ टू सी एल टू, सी टू एफ टू सी एल फोर, सी टू एफ थ्री सी एल थ्री,
और नाम ले लीजिए, और लेना चाहो तो और ले सकते हैं। C2F3Cl3 हो गया, CF2Cl2, C2FCl5, C2FCl5। और भी आप वैलेंसी कंप्लीट देख लेना कार्बन की, और आप बना सकते हैं। और भी इनका नामकरण देखना है हमें, तो देखो एक्स वाई जेड लिखेंगे पहले इसके लिए। तो एक्स बराबर क्या होती है, हमने बेटा और दिया, एक्स बराबर होती है कार्बन माइनस वन, वाई बराबर हाइड्रोजन प्लस वन, और जेड बराबर फ्लोरीन की संख्या, है ना। तो देखिए यहाँ कार्बन माइनस वन, कार्बन तो एक ही है, एक माइनस एक क्या हुआ, जीरो, ठीक है। फिर आता है वाई, वाई होता है हाइड्रोजन प्लस एक, हाइड्रोजन तो एक भी नहीं है, तो क्या आएगा, हाइड्रोजन जीरो मानेंगे और जीरो में एक ऐड करेंगे तो एक। फिर है जेड इज इक्वल टू एफ, तो देखिए जेड बराबर क्या है, मतलब आपका फ्लोरीन की संख्या, यहाँ फ्लोरीन कितना है एक, तो फ्लोरीन की संख्या एक, जीरो वन वन। नाम कैसे देखते देते हैं हम, आगे क्या लगाते हैं, फ्रियोन, क्या लगाते हैं, फ्रियोन, और उसके बाद में जो एक्स वाई जेड का मान होता है उसे लिखते हैं। आगे जीरो हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, पता है, इसको क्या बोलेंगे, इलेवन ही तो बोलेंगे, तो फ्रियोन इलेवन फर्स्ट का नाम हो गया। इसकी बात करें तो फिर से देखो, एक्स होता है कार्बन की संख्या माइनस एक, कार्बन की संख्या एक है, एक माइनस एक जीरो। फिर आपका वाई होता है एच प्लस एक, हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो जीरो मानेंगे, जीरो में एक ऐड करेंगे एक। जेड बराबर एफ यानी कि फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन की संख्या कितनी है, दो, तो इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन 12। फिर आएंगे इस पर, एक्स बराबर है सी माइनस वन, कार्बन कितने हैं, दो, दो में से एक गया तो क्या आएगा, एक। फिर है वाई, हाइड्रोजन की संख्या प्लस एक, एक ही आएगी क्योंकि हाइड्रोजन तो इसमें किसी में भी नहीं है, तो बीच का एक फिक्स है। फिर है जेड यानी कि फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन कितने हैं, दो, तो इसका नाम क्या होगा, इसका होगा फ्रियोन 112। क्या नाम होगा, फ्रियोन 112। फिर इसकी बात करते हैं तो दो कार्बन है, दो माइनस एक, एक हो जाएगा, हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो एक, और फ्लोरीन कितने हैं, तीन, तो क्या लगाएंगे, तीन। नाम क्या होगा, फ्रियोन 113। इसमें कार्बन है दो, दो माइनस एक, एक हो जाएगा, हाइड्रोजन एक भी नहीं है तो एक लिखेंगे, क्यों, क्योंकि एक ऐड करते हैं जीरो में, फ्लोरीन एक है, इसका नाम हो जाएगा फ्रियोन 111, फ्रियोन 111। सीख गए फ्रियोन का नामकरण करना, ठीक है। आपको बस एक्स वाई जेड याद रखना है, एक्स कार्बन की संख्या माइनस एक, वाई हाइड्रोजन की संख्या प्लस एक, जेड किसकी, फ्लोरीन की संख्या। एक्स वाई जेड निकालेंगे, मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐसे कि ऐसे जो मान आएगा फ्रियोन के आगे लगा देंगे। जैसे पहला जीरो क्या आया था, अब आगे जीरो की तो कोई वैल्यू होती नहीं है, हम इसको क्या पढ़ेंगे, इलेवन लिख रहे हैं या जीरो इलेवन, ऐसे तो बोलेंगे इलेवन है, तो फ्रियोन इलेवन, फ्रियोन 12, यहाँ बोलेंगे 112 क्योंकि एक की तो वैल्यू होती है, फ्रियोन 112, फ्रियोन 113, फ्रियोन 111। कर लोगे नामकरण। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रियोन बनाने की विधि, नेक्स्ट हेडिंग आपको डालनी है फ्रियोन बनाने की विधियां। नेक्स्ट हेडिंग डालिए फ्रियोन बनाने की विधियां। तो देखो फ्रियोन बनाने की विधि डालोगे, नेक्स्ट क्या डालोगे, विधि बनाने की विधि, फ्रियोन बनाने की विधि आपको डालना है, फ्रियोन बनाने की विधि। विधि में आपको क्या लिखना है, विधि में लिखना है आपको जब जब कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या किसकी कराएंगे, या तो कार्बन टेट्राक्लोराइड लेंगे या हम लेंगे हेक्साक्लोरोएथेन, क्या लेंगे, हेक्सा क्लोरो एथेन। जब कार्बन टेट्राक्लोराइड या हेक्साक्लोरोएथेन की अभिक्रिया
की अभिक्रिया HF के साथ, किसके साथ, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड या HF के साथ उपस्थिति याद रखना है किसके लेनी है, SbCl5 एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, SbCl5 की उपस्थिति में, SbCl5 की उपस्थिति में करवाते हैं तो फ्रियोन या CFC को बोल सकते हैं का निर्माण होता है। ठीक है, तो देखिए पहले हमने लिखा CCl4 या हेक्साक्लोरोएथेन, तो हम CCl4 भी करवा देते हैं एक बार हेक्साक्लोरोएथेन दोनों से देख लेते हैं। हमने क्या लिखा, CCl4 है, ले लिया येलो CCl4, रिएक्शन करवानी है किसके साथ, अभिक्रिया HF के साथ, येलो HF ले लिया, उपस्थिति किसके लेनी है, SbCl5 की, ठीक है, Sb होता है एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, SbCl5 की उपस्थिति ले ली, क्या बनना चाहिए, CFC बनना चाहिए, कौन सा CFC बनेगा यहां से देखेंगे। देखो यहाँ आपके पास चार क्लोरीन है, कितने क्लोरीन है, चार, ऐसे देखो सी ये हो गया पहला क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, तीसरा क्लोरीन, चौथा क्लोरीन, रिएक्शन हो गई H और F के साथ, क्या करेंगे, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन बाहर, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन HCl बाहर हो गया, तो जहां से Cl हटा है वहां क्या लग जाएगा, F, जहां से Cl हटेगा वहां क्या लग जाएगा, F, तो क्या बचेगा, C, यहाँ भी Cl, यहाँ पर जहां Cl था वो हट गया, क्या जुड़ जाएगा, F, तो क्या बनेगा, CCl3 और एक क्या है, F, यानी कि आपका बन गया CFCl3, यही बना, क्या बना, CFCl3, क्या नाम था CFCl3 का, आपको लिखवा दिया, फ्रियोन 11, क्या नाम था, फ्रियोन 11, तो कौन सा फ्रियोन बना, फ्रियोन 11 बना, ये आपका था कार्बन टेट्रा क्लोराइड, ये क्या था आपका, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ठीक है, अब देखो CCl4 के HF के साथ करवा दी, हम फ्रियोन की भी HF के साथ करवा सकते हैं, जो आपका फ्रियोन बना है, आपका कौन सा बना है, CFCl3, यही बना है ना, इसकी फिर से रिएक्शन करवा दें हम किसके साथ में, HF के साथ में, उपस्थिति ध्यान रखनी है SbCl5, तो फिर से क्या होगा, एक क्लोरीन और एक हाइड्रोजन, HCl तो बाहर हो जाएगा, अब यहां से एक क्लोरीन चला गया तो दो क्लोरीन बचे, CF2Cl2, F2 क्यों, क्योंकि एक F यहां से यहां ऐड होगा, एक क्लोरीन यहां से यहां चला जाएगा, F ऐड होगा तो क्या हो गया, CF2Cl2, कर लोगे सेम ऐसे ही, एक HCl बाहर निकाल देना और F यहां ऐड हो जाएगा, तो CF2Cl2 नाम क्या होगा, लिखवा दिया आपको टेबल में, फ्रियोन 12, इसका नाम क्या है, फ्रियोन 12 लिखा हुआ है टेबल में, देख लेना, दो विधि, तीसरी मतलब दूसरी विधि किससे हो गई, फ्रियोन से ही फ्रियोन का निर्माण कर दिया, और हम कैसे कर सकते हैं, ये आपको ऐड करनी, ये आपको लिखनी थी है ना, इसके सॉल्व लेके लिख लेना या वहां पे वीडियो पॉज करके लिख लेना, फिर आपको थर्ड क्या लिखनी है, दो CCl4 से पढ़ लिया और फिर जो आपका फ्रियोन 11 बना था उससे भी बना लिया, अब पढ़ेंगे हेक्साक्लोरोएथेन, हेक्साक्लोरोएथेन से कैसे बनेगा, सबसे पहले तो देखो हेक्साक्लोरोएथेन होगा क्या, हेक्सा मतलब 6, क्लोरो मतलब क्लोरीन, 6 तो क्या है, क्लोरीन है, एथेन मतलब कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है, 2 क्लोरीन है, 6 वैलेंसी कंप्लीट कीजिए, तो CL है कि नहीं, कंप्लीट है, मतलब कि हेक्साक्लोरोएथेन क्या होगा, C 2
Cl 6 ये होगा हेक्सक्लोरो एथेन, ठीक है ना। ये C2H6 आपका क्या है, हेक्सा क्लोरो एथेन, हेक्सा क्लोरो एथेन। रिएक्शन HF के साथ करवानी है, क्या बाहर निकालोगे, सबसे पहले उपस्थिति SbCl5 और बाहर भी हमेशा क्या निकलना रहेगा HCl। जो चीज बाहर निकल गई उसको हटा दो, देखो एक हाइड्रोजन बाहर गया, यहां से क्लोरीन बाहर गया तो C2 तो है ही, फ्लोरीन यहाँ एक भी नहीं था, ये फ्लोरीन बाहर निकला है क्या, नहीं फ्लोरीन इधर ऐड हो जाएगा तो F क्लोरीन यहाँ 6 थे, एक क्लोरीन इस H के साथ बाहर चला गया तो कितने बचे 5, C2FCl5 क्या बचेगा C2FCl5। या फिर आप उसी विधि से करके देख सकते हैं, यहाँ पर Cl 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 इधर भी होंगे, एक Cl और H बाहर निकल जाएगा और F यहाँ ऐड हो जाएगा तो क्या बनेगा C2FCl5 ही बनेगा। अब इसका नाम क्या होगा, तो नामकरण की पद्धति में देखो हमने ऐसे देखा था प्रियोन लगाते हैं आगे, उसके बाद X क्या होती है, कार्बनों की संख्या -1, कार्बन कितने हैं 2, तो में से गया तो 1। फिर होता है Y, हाइड्रोजन की संख्या +1, हाइड्रोजन है ही नहीं एक भी, 0 मानेंगे, 0 में 1 ऐड करो 1 हो जाएगा। फिर Z क्या होती है, फ्लोरीन की संख्या, फ्लोरीन है क्या 1, तो इसका नाम हो गया फ्रियोन 111, क्या नाम हो गया फ्रियोन 111। ये हमने किससे ले ली, C2Cl6 से। अब आप चाहो तो और आगे फ्रियोन 111 की फिर से HF के साथ रिएक्शन करवा दो तो और आ जाएगा आपके पास में C2F2Cl4 आ जाएगा। तो इस प्रकार आप काफी सारे फ्रियोन बना सकते हैं, फ्रियोन बनाने की ये कुछ इंपॉर्टेंट विधि थी। अब हम पढ़ेंगे फ्रियोन के भौतिक गुण और उपयोग, रासायनिक गुण नहीं है इनके, रासायनिक गुण ये है कि क्या क्या इनके रिएक्शन होंगे जो हमने बता दिया है। भौतिक गुण और उपयोग, उपयोग पूछा जाता है फ्रियोन का कि फ्रियोन कहाँ कहाँ काम में आते हैं। नेक्स्ट आपको डालना है भौतिक गुण, नेक्स्ट आपको क्या डालना है भौतिक गुण, किसके फ्रियोन चल रहा है टॉपिक तो किसके है फ्रियोन के ही है। फ्रियोन के भौतिक गुण, फ्रियोन क्या होता है रंगहीन और गंधहीन होता है और एक द्रव होता है, फ्रियोन क्या होता है रंगहीन गंधहीन व वाष्पशील द्रव, यह रंगहीन गंधहीन व वाष्पशील द्रव, यह नहीं ये क्योंकि बहुत सारे होते हैं द्रव होते हैं, द्रव होते हैं, रंगीन होंगे गंधहीन होंगे कैसे होंगे वाष्पशील द्रव, इन्हें उच्च ताप और उच्च दाब पर भी अगर आप गर्म करो तब भी ये क्या होंगे, ये जो है उच्च ताप एवं उच्च दाब पर भी सामान्य ही रहते हैं, मतलब कि कोई क्रिया नहीं करते हैं, स्थायी रहते हैं, ठीक है। ये क्या होंगे ऐसे लिखो, ये उच्च ताप व उच्च दाब पर, ये उच्च ताप व उच्च दाब पर भी स्थाई रहते हैं, उच्च ताप एवं उच्च दाब पर भी स्थाई रहते हैं, अर्थात फ्रियोन, अर्थात फ्रियोन अत्यधिक निष्क्रिय होते हैं, निष्क्रिय होते हैं, फ्रियोन क्या होंगे निष्क्रिय होते हैं अत्यधिक। क्यों होते हैं फ्रियोन निष्क्रिय, क्योंकि फ्रियोनों को कितना भी उच्च ताप और उच्च दाब दे दो ये कोई भी अभिक्रिया नहीं करते, स्थाई रहेंगे। भाई अधिकांश हम देखते हैं कि जैसे उच्च ताप और दाब दिया जाता है तो ये भी दो या दो से अधिक भागों में टूट जाते हैं या अभिक्रिया करने लग जाते हैं, लेकिन फ्रियोन को आप कितना ही उच्च ताप और उच्च दाब दे दो ये स्थाई रहते हैं अधिकांश। अधिकांश फ्रियोन क्या होंगे स्थाई रहेंगे,
अब स्थायी रहने का अर्थ क्या हुआ कि वो टूटते नहीं है, मतलब अभिक्रिया नहीं करते हैं, अभिक्रिया नहीं करेंगे मतलब निष्क्रिय होंगे, ठीक है। तो प्रियॉन अधिक स्थायी होंगे और अत्यधिक निष्क्रिय, स्थायी ज्यादा निष्क्रिय भी ज्यादा, दोनों चीज ज्यादा, जितने ज्यादा स्थायी होगी चीज उतनी ज्यादा निष्क्रिय होगी, क्रिया नहीं करेगी। तो प्रियॉन क्या है, अत्यधिक स्थायी होते हैं, इसी कारण क्या होंगे अत्यधिक निष्क्रिय, क्योंकि स्थायी है उनको तोड़ ही नहीं पा रहे, जब टूटेंगे नहीं तो और रिएक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये आपके क्या हुए, भौतिक गुण या गुणधर्म। अब पढ़ेंगे इनके उपयोग। अब आपको क्या लिखना है, इसके उपयोग लिखना है, यही लिख देते हैं उपयोग। उपयोग में पहला उपयोग आप लिख सकते हैं कि जो आपके घर में फ्रिज होते हैं जिनको रेफ्रिजरेटर बोला जाता है, रेफ्रिजरेटर रेफ्रिजरेटर व एयर कंडीशनर होते हैं ना, क्या होते हैं, एयर कंडीशनर या एसी, एयर कंडीशनर में प्रशीतक के रूप में, प्रशीतक के रूप में एसी, और जो आपका फ्रिज होता है उसमें जो सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती है जो ठंडा करने के काम में आती है फ्रिज या एसी को, वो क्या कहलाएगी, आपकी फ्रियोन कहलाती है, और क्या काम में आती है, प्रशीतक के रूप में। नेक्स्ट एरोसोल नोदक के रूप में भी इसका काम किया जाता है, किसमें, एरोसोल नोदक के रूप में। मैम ये क्या चीज होती है, एरोसोल क्या होता है, कोलाइड कण होते हैं एक तरह से, जो हमारी हवा है, हवा में धूल मिट्टी आदि के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, एरोसोल, कणीय अवस्था और धूल की अवस्था मिक्स होती है हवा में, कुछ आदर्श अवस्था जो होगी वो होती है एरोसोल। नोदक क्या होते हैं, नोदक मतलब उनका जो छिड़काव किया जाए फेंकने योग्य सामान नोदक कहलाता है। नोदक गैस भी होती है, यानी कि जो फेंकने योग्य सामान होता है उसको जलाने पर जो गैस उत्पन्न होगी वो नोदक गैस होती है। अब एरोसोल नोदक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, मतलब कि जो एरोसोल का मतलब मैंने आपको बताया था, धूल मिट्टी आदि के कण है उनका छिड़काव करने में इसका उपयोग किया जाता है। आप सीधा सीधा याद रखना, एरोसोल नोदक के रूप में, ठीक है। थर्ड आप क्या लिख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर कंडीशनर हो गया, एरोसोल नोदक हो गया, और आप लिख सकते हैं अक्रिय विलायक के रूप में, अक्रिय विलायक के रूप में, मतलब कि ऐसा विलायक जो कोई क्रिया ना करे के रूप में, मतलब हमें विलायक की जरूरत तो है लेकिन ऐसे विलायक की जरूरत है कि हमारा जो अभिकर्मक है वो चेंज ना हो। तो ऐसा विलायक कौन है, अपना फ्रियोन, क्योंकि फ्रियोन अक्रिय होता है, निष्क्रिय होता है, कोई क्रिया नहीं करता है तो अभिकर्मक को चेंज भी नहीं करेगा। तो अक्रिय विलायक के रूप में भी फ्रियोन का उपयोग किया जाता है, ये आपको लर्न करने हैं। अब एक मेन चीज है कि फ्रियोन का प्रतिकूल प्रभाव क्या होता है। फ्रियोन जो होते हैं वो ओजोन परत के क्षरण करते हैं, ओजोन परत का क्या करते हैं, क्षरण। ओजोन परत क्या होती है, जो हमारी रक्षा करती है सूर्य की पराबैंगनी किरणों से, इसे जीवन रक्षक गैस भी कहा जाता है। ओजोन गैस को क्या कहा जाता है, जीवन रक्षक गैस, क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है, उससे हमारी रक्षा करती है कौन, ओजोन गैस। और जो फ्रियोन है, फ्रियोन में जो आपके रेफ्रिजरेटर एयर कंडीशनर आदि में जो गैस होती है ये सब हमारे क्या करती है, ओजोन परत का क्षरण करती है, मतलब कि फ्रियोन हमारे लिए हानिकारक है। फ्रियोन क्या है, हानिकारक। तो आपको डालना है फ्रियोन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में जानेंगे। फ्रियोन का पर्यावरण पर प्रभाव, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रियोन का पर्यावरण पर प्रभाव। नेक्स्ट आपको लिखना है फ्रियोन का पर्यावरण पर प्रभाव। फ्रियोन क्या करेगा, जो अपनी ओजोन होगी ना उसका क्षरण करता है, ओजोन को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है, और ओजोन भी हमारे लिए उतनी जरूरी है जितनी ऑक्सीजन, क्योंकि अगर ओजोन नहीं होगी ओजोन परत तो सूर्य की पराबैंगनी किरणें हमें वैसे ही खत्म कर देंगी, ऑक्सीजन कितनी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको लिखना है इसमें फ्रियोन
फ्रियोन मुख्यतः ओजोन परत का क्षय करती है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। ओजोन एक ऐसी गैस होती है जिसे जीवन रक्षक गैस भी कहते हैं। बता दिया था क्यों कहते हैं, क्योंकि यह 95% भाव को अवशोषित कर लेती है। किसके? पराबैंगनी किरणों के। पराबैंगनी किरण क्या होती है? हमारे लिए हानिकारक होती है, हमारी त्वचा की कैंसर हो सकता है उससे, ठीक है ना। तो उनको 95% तक ये अवशोषित कर लेती है। कौन? ओजोन गैस। इसी कारण से ओजोन गैस को जीवन रक्षक गैस भी कहा जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन बना, ओजोन गैस को जीवन रक्षक गैस क्यों कहा जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या बना कि ओजोन परत की क्षति फ्रियोन किस प्रकार करता है। फ्रियोन ओजोन परत की क्षति किस प्रकार करता है। तो नेक्स्ट आपकी एडिंग इसी में है, सब एडिंग लगा सकते हो कि ओजोन परत की क्षति। आपका जो फ्रियोन होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, वो क्या करता है? ओजोन गैस को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। कैसे? फ्रियोन ओजोन को ऑक्सीजन में परिवर्तित कर देता है। कैसे करेगा? यहाँ देखो, ये आपका CFCl3 क्या है? फ्रियोन है। जैसे ही हमारी प्रकाश की पराबैंगनी किरणें आई, जैसे ही हमारी क्या आई? पराबैंगनी किरणें आई किसमें? हमारी ओजोन परत पे, ठीक है। अल्ट्रावायलेट किरणें यानी कि पराबैंगनी किरण। यूवी रेज क्या होती है? पराबैंगनी किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें। तो ये क्या होगा, जो CFCl3 है इसमें ये जो एक क्लोरीन होगा वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। भाई CFCl3 की शेप कैसी होगी, देखो इधर सी एक एफ, ये Cl ऐसी होगी ना। एक क्लोरीन यहाँ से बाहर चला जाएगा। जब एक क्लोरीन बाहर गया तो सी पर फ्री रेडिकल और क्लोरीन पर क्या होगा? फ्री रेडिकल। तो आपके पास क्या होगा, एक फ्री रेडिकल तो किस पर रहता है? कार्बन पर। और एक किस पर? क्लोरीन पर। एक अकेला इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु पर है तो उसे फ्री रेडिकल या मुक्त मूलक बोलते हैं। एक मुक्त मूलक CFCl2 के कार्बन पर, देखो ये रहा CFCl2 कार्बन पर है मुक्त मूलक, दूसरा मुक्त मूलक क्लोरीन पर। क्यों? क्योंकि ये दोनों मुक्त मूलक एक बंध बना लेंगे तो ये जुड़ भी जाता है। और यहाँ जैसे ही पराबैंगनी किरणें पड़ी क्या हो गया? CFCl2 बना और क्या बना? क्लोरीन मुक्त मूलक बना। फिर क्या हुआ, जो CFCl2 है और क्लोरीन मुक्त मूलक है, इनमें से क्लोरीन मुक्त मूलक जो है वो फिर से ओजोन के साथ क्या करेगा? क्रिया। सबसे पहले फ्रियोन था, फ्रियोन पराबैंगनी किरण जैसे ही पड़ी दो भागों में टूट गया, एक तो फ्रियोन बना और दूसरा क्या बना? क्लोरीन। फिर ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक बना ये ऑक्सीजन से फिर से रिएक्शन करेगा। ऑक्सीजन नहीं, ओजोन। O3 आपकी क्या होती है? ओजोन। ये जो क्लोरीन मुक्त मूलक है ओजोन से रिएक्शन करता है, क्या होगा? एक तो ऑक्सीजन गैस बनाएगा और एक ऑक्सीजन इसके साथ में ऐड होगी, ठीक है ना। क्या होगी? एक ऑक्सीजन तो इसके साथ ऐड हो जाएगी, क्या बना? CLO मुक्त मूलक है क्लोरीन पर। और एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन आपके पास मुक्त हो गई, क्या बनेगी? ऑक्सीजन गैस बन गई ना, ऑक्सीजन गैस। ऐसे ही आगे चलता है यह क्रम, आगे फिर से ये मुक्त मूलक वाला क्लोरीन मोनोऑक्साइड, कौन सा है? क्लोरीन मोनोऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करेगा? ओजोन के साथ। क्या बना लेगा? ओजोन ऑक्सीजन गैस के दोनों, पहले एक ऑक्सीजन गैस बनाई फिर दोनों बना लिए। तो इसी प्रकार ये आपका चलता रहेगा, ठीक है। मतलब ये एक सतत रिएक्शन होती है, मतलब चलती रहती है ये रिएक्शन। कैसे कि फिर से क्लोरीन बन गया मुक्त मूलक वाला, फिर से किससे? ओजोन से रिएक्शन करेगा, ओजोन से रिएक्शन करेगा दोबारा ये क्लोरीन मोनोऑक्साइड, क्लोरीन मोनोऑक्साइड फिर रिएक्शन करेगी ओजोन से, फिर दोबारा क्लोरीन। तो सतत रिएक्शन है, मतलब चलती रहने वाली रिएक्शन है। हमारी ओजोन परत का सतत चरण होता है किससे? जो अपने क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, होता जा रहा है चरण, धीरे धीरे चरण होता ही जा रहा है। इसी कारण गर्मी इतनी तेज बढ़ रही है अभी, ठीक है। तो आप इसको लिख लोगे, आगे लिखना है, यह एक सतत रिएक्शन होती है, मतलब लगातार चलने वाली रिएक्शन है, जिससे एक बार में 1,00,000 ओजोन, एक ही बार में कितने 1,00,000 ओजोन अणु किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन तो ज्यादा मिल जाती है लेकिन ओजोन का क्या हो रहा है? क्षरण। तो ये भी हमारे लिए हानिकारक है। और क्या क्या हानिकारक प्रभाव है इसके? तो हानिकारक प्रभाव एक लास्ट हेडिंग लिख लीजिए, प्रतिकूल प्रभाव या हानिकारक प्रभाव। फिर आपका फ्रियोन खत्म है, छोटे छोटे से हानिकारक प्रभाव या प्रतिकूल प्रभाव आपको इसमें लिखने हैं। क्या लिखना है?
प्रतिकूल प्रभाव या हानिकारक प्रभाव? प्रतिकूल प्रभाव या हानिकारक में पहला है त्वचा का कैंसर, त्वचा का कैंसर अधिक होने के चांसेस से रहते हैं। तो क्या लिखोगे? त्वचा का कैंसर या त्वचा का कैंसर में वृद्धि, त्वचा के कैंसर में वृद्धि पहला प्रतिकूल प्रभाव है कि कैंसर में हमारी क्या हो रही है यहाँ वृद्धि। मानव की प्रतिरोधक क्षमता में कमी, मानव के रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, प्रतिरोधक क्षमता में कमी। और आप इसमें लिख सकते हैं पौधों की क्षति, पेड़ पौधे की क्या हो रहे हैं इससे कम, पौधों की क्षति। और आप क्या लिख सकते हैं? मोतियाबिंद या आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है। प्रतिकूल प्रभाव क्या क्या है फ्रियोन के? कि फ्रियोन से त्वचा के कैंसर में वृद्धि, जैसे ही पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर में पड़ेंगी तो हमारे त्वचा को कैंसर होने का खतरा ज्यादा रहता है, और जैसे ही आंखों में पड़ेगी आंखों में मोतियाबिंद रोग होने का खतरा रहता है। तो त्वचा का कैंसर और मोतियाबिंद पौधों पर पड़ती है, पौधों की क्षति होती है, पौधों की क्षति और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होने लगती है कम। ये इसके क्या है? प्रतिकूल प्रभाव। तो आज का अपना प्रियम टॉपिक क्या हुआ? फिनिश। ओके।